है ना, वो भी मैंने लिया है। तो ये रिबन थोड़ा कम लेने का मकसद ये था कि किस मज़े किया ना, मैंने एक सिप लिया है और इसका कलर देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदान फारूक। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बाद अभी और आ रही है, तो हमने करनी है उसकी आज शॉपिंग। तो ऐसा करते हैं, शॉपिंग करने पहले चलते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ओके जी, आज चलते हैं ऑफिस। तो अभी फाइनली हम आ गए हैं जी यहाँ स्टॉल पे। तो यहाँ से देखते हैं जी क्या चीज़ें हमें पसंद आती हैं। इनकी मेन शॉप जो है, यहाँ से हम काफ़ी बार चीज़ें परचेज़ कर चुके हैं, मॉडलटाउन में है ये भी शॉप। तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ हमें पसंद आता है। यहाँ पे देखें, हर तरह की डेकोर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे तो जो चीज़ें हैं उनमें डेकोर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, और इसके अलावा वाइट रिबन चाहिए, ग्रीन रिबन चाहिए। तो अभी भाई से कहते हैं ताकि वो हमें दें। और यहाँ पर देखें कितने प्यारे माशाल्लाह बैजेस वगैरह भी लगे हुए हैं, और मुझे काफ़ी कुछ पसंद आया है। तो देखते हैं अब हम क्या लेते हैं, यहाँ से क्या हम परचेज़ करते हैं। तो अभी जी मैंने ये जो है ना डेकोर के लिए किए पसंद किया है। इसके अलावा अभी का कुछ सीन ये है कि एक दो चीज़ें और भी है, वो भाई से बोलिए वो लेने के लिए गए, तो जैसे ही वो लेके आते हैं फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी माशाल्लाह ये देखेंगे, मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई हैं, मैंने ले ली हैं। वाइट एंड ग्रीन जो है रिबन है वो भी मैंने लिया है। तो ये रिबन थोड़ा कम लेने का मकसद ये था कि इस पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, गली में कुछ न्यू चीज़ें हैं वो लगानी है। तो थोड़ी सी डेकोरेशन जो है वो हमने चेंज की है। कुछ मटेरियल हमारे पास मौजूद था, कुछ लेने के लिए हम आए हैं आज। तो देखें अब क्या सीन बनता है। बाकी फ्लैग चाहिए था एक, वो लेने के लिए भाई गए हैं। जैसे वो भी आता है फिर वो भी हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो अभी भाई को मैंने कुछ चीज़ें और बोल ली हैं, तो जैसे ही वो निकाल लेते हैं वहाँ से, तो फिर हम नेक्स्ट बताते हैं इनको कि क्या लेना है। मुझे कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त लगी हैं। फ्लैग जो है ना वो एक वो लेके आए थे, लेकिन उसका साइज़ छोटा था, हमें बड़े बड़ा फ्लैग चाहिए, तो अब वो हम मंगवाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना मुझे अच्छी लगी हैं, बल्कि इसमें ये है कि बच्चों वाला सामान कुछ ज़्यादा था, लेकिन मुझे चाहिए डेकोर के लिए। बच्चों के पास ऑलरेडी घर में सब कुछ मौजूद है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। माशाल्लाह जी ये वाला फ्लैग हमें पसंद है, जश्न विलादत मुबारक हो। अब ये हम छत पे लगाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें कितना ही खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह। तो ये चीज़ें मैंने कुछ ले ली हैं, तो बाकी क्या कुछ लिया है ये तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बाद में दिखाऊंगी। अभी बिल शिल कम्प्लीट करते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं और फिर जाके आपको दिखाते हैं कि हम क्या कुछ परचेज़ कर चुके हैं। फाइनली फ्रेंड, अब हमने चीज़ें ख़रीद ली हैं, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। जैसा कि शॉपिंग वाला तो हम करके आ चुके हैं, ठीक है। तो शॉपिंग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, लेकिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बतानी थी, वो ये थी कि कल का जो व्लॉग था उसमें मेरी फ्रेंड ग्रीन टी बना के लाई थी, ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं थी। ये चाय फिर बहुत मज़े की बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ग्रीन टी में ना कोई थोड़ा सा होता नहीं, क्या मसला हो गया। लेकिन आज मामा ने ग्रीन टी बना के भेजी है, और इतनी को मज़े की है ना, मैंने एक सिप लिया है और इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। और अभी एक सिप लिया, दिल कह रहा कि चाय ख़त्म ना हो, इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है। थैंक यू सो मच मामा जी, बहुत ही मज़े की है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। और आइंदा तो चाय आप बनाइएगा इसे, और आइंदा तो चाय आप बनाइएगा इसे ना बनवाइएगा। ये चाय नहीं, चाय अच्छी बनाती है ग्रीन, क्योंकि मैं चाय भी बाहर मंगवानी है ना। तो थैंक यू सो मच, चाय बहुत मज़े की, ग्रीन टी बहुत मज़े की है, ठीक है। और चाय का क्रेडिट आपको जाता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन टी ना बनाना यार, नेक्स्ट आप ना बनाना। क्यों? मामा को बनाने देना, बहुत मजे के बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही यम्मी है, पीते हैं और इंजॉय करते हैं। मामा स्पेशल उठी ग्रीन टी बनाई, मामा ने कहा ये होती है ग्रीन टी, ये होती है ग्रीन टी, हेलो ये होती है ग्रीन टी, ठीक है। चाय शाय पीते हैं, फिर उसके बाद जो भी शॉपिंग वगैरह किया फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, ओके। तो चीज़ों के हम परचेज करके ले आए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ी डिटेल में आपको दिखा देते हैं। तो ये हम लेके आए हैं एक प्यारा सा फ्लैग, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो कि आज हम जाके लगाएंगे माशाल्लाह। ये देखें प्यारा बना ना माशाल्लाह, इसको अभी बाद में हम करते हैं। ये छत पे लगाने के लिए लिया है, डिकोर का काफ़ी ज़्यादा सामान बस पड़ा था, कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैंने कहा वो भी ले आते हैं, बाकी जब लगाएंगे आप बस। और ये एक नई चीज़ लेके आई हूँ, ये देखें ये इस तरह से माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, जब ये लगाई जाएगी ना बहुत अच्छी लगेगी, ऐसे करके ये होगी। ये एक ग्रीन में लेके आई हूँ और एक वाइट में लेके आई, तो दोनों मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, और आई थिंक ऐसे लगेगी, ऐसे लगे, ऐसे लगेगी शायद, ठीक है। ये वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, जश्न ईद में
तो हमने कहा कि हम ये इस तरह से लेके जाते हैं। और इसके अलावा साथ में इस बार हम ना अपनी गली को एक नए तरीके से ना डेकोर करने लगे हैं। इसकी वजह से मैंने रिबन कम लिए, क्योंकि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, तो वो जब हम डेकोर करेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा। तो अब हमारी तैयारी जो है वो तो जारी है सारी है इंशाल्लाह। तो बाकी आप बताइएगा आपने किस तरह से अपने घर को गली को डेकोर किया है, किस तरह से आपने सारी चीज़ें सेट की हैं। और काफ़ी सामान घर मौजूद था, कुछ मैंने ले लिया। तो अब ऐसा करते हैं आज के ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। बाकी एक स्पेशल चीज़ है वो भी मैं आपके साथ अभी इसके बाद शेयर करती हूँ जो हम लेके हैं, जिससे इस बार हमने गली को तैयार करना है, प्यारा बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और ब्लॉग होगा जिसमें पूरी गली की जिस तरह की हम सेटिंग करेंगे, वो ब्लॉग नेक्स्ट आपको मिलेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी एडवांस में मुबारक हो, अल्लाह हाफिज़। तो अभी यहाँ पे ये देखें जी, हम लेके आए इस पर इतना बड़ा यहाँ पे कपड़ा, जो इससे हम पूरी गली को जो है वो डेकोर करेंगे। जब ये गली में लगेगा फिर आपको समझ आएगी कि इसका क्या सीन है।